हेलो दोस्तों, कंपैरिजन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मनुष्य के दो करीबी रिश्तेदारों के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है चिंपांजी और ओरंगुटान। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंटेलिजेंस। चिंपांजी का डीएनए मनुष्य के डीएनए से 98% मेल खाता है। चिंपांजी का दिमाग बहुत ही तेज होता है, जिनके कारण उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है और वो तुरंत सीख भी जाते हैं और दूसरे चिंप्स को भी आसानी से सिखा देते हैं। वहीं ओरंगुटान का डीएनए मनुष्य के डीएनए से 97% मेल खाता है और वो इंसानों की तरह सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, जैसे कि डोर को लॉक और अनलॉक करना। साइज एंड डिस्क्रिप्शन। चिंपांजी की हाइट खड़े होने पर 5.5 फीट होती है और उसका वजन 70 किलो तक होता है। वहीं ओरंगुटान की हाइट खड़े होने पर 5 फीट होती है, वहीं इसका वजन 50 से 90 किलो तक होता है। चिंपांजी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वहीं ओरंगुटान चिंपांजी के कंपेयर में ज्यादा नहीं दौड़ सकता है। वो ज्यादातर अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पेड़ पर ही गुजारता है। अब जानते हैं उसके बिहेवियर के बारे में। चिंपांजी एक सामाजिक प्राणी है जो अक्सर झुंड में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और अपने दूसरे साथियों का भी देखभाल करते हैं। इस झुंड में एक नर लीडर होता है जो पूरे झुंड को हैंडल करता है और सभी लोग उसकी बात मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर नर ओरंगुटान अकेला ही रहना पसंद करता है और प्रजनन के दौरान ही मादा के पास आता है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी मादा ही संभालती है। अब जानते हैं उसके डाइट के बारे में। चिंपांजी के खाने की लिस्ट बहुत ही लंबी है, जो 80 से भी ज्यादा चीजें खाते हैं, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, हनी और छोटे जीव शामिल है। हालांकि यह कभी कभार छोटे जानवरों को भी मारकर खाता है। वहीं दूसरी तरफ ओरंगुटान का ज्यादातर भोजन फल और पत्ते से आता है। वो बहुत ही कम टाइम मांस खाते हैं। अगर बात करें दोनों की लड़ाई की, तो दोनों में चिंपांजी काफी अग्रेसिव और आक्रामक स्वभाव के होते हैं और ऊपर से वे झुंड में रहते हैं, इसीलिए वो आसानी से ओरंगुटान को मारकर खा सकता है। पर यदि कभी दोनों का अकेले में आमना सामना होता है, तो ऐसे में ओरंगुटान के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे चिंपांजी से काफी ताकतवर होते हैं। वहीं उसके अगले दो पैर काफी लंबे और मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से वो चिंपांजी को मसल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ चिंपांजी ओरंगुटान की तुलना में काफी तेज और स्फूर्तीले होते हैं, इसीलिए दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा यह कहना काफी मुश्किल है। पर फिर भी मेरे विचार से ओरंगुटान चिंपांजी को हरा देगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।